बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आई एम योर साइंस टीचर सादिया नसीम। दिस इज़ योर बुक ऑफ साइंस फॉर क्लास सिक्स, साइंस फैक्ट फाइल बाय डेविड कॉपर। वी विल रीड दिस बुक। देर आर ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स इन द बुक। वी विल कवर फर्स्ट 6 चैप्टर्स before midterm, and after midterm we will, in final term we will cover next 6 chapters. Let's start our first chapter. First of all, let me introduce myself. I am Sadia Naseem, your science teacher from Behria Foundation College, Nusher of Rose. This is your first chapter of class 6. Name of chapter is Science Skill. Science Skills. First of all, let me introduce yourself from science. What is the science? Science is the obtaining knowledge by observation, experimentation and using the knowledge to describe, explain natural things. Kya cheez hai science? Obtaining the knowledge. Il, hasil karna. To obtain the knowledge is science and use that knowledge for our benefit. Apne fayde ke liye us ilm ko istemal mein lana science hai. Science helps us to understand the world around us, solve the problems, and to train our mind to think logically and systematically. अब साइंस हमें कहाँ हेल्प करती है कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब हम कैसे समझ सकते हैं? बाय द साइंस। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, ट्रेन आवर माइंड्स। हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें इल्म हासिल करने पर जोर देता है, जैसा कि कुरान पाक की आयत है कि दुनिया में इल्म वालों के लिए निशानियां हैं, दुनिया में इल्म वालों के लिए निशानियां रखी गई हैं, सोच अक्ल वालों के लिए निशानियां रखी गई हैं। ठीक है, तो इल्म हासिल करना, उसके बाद उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, इसको हम साइंस कहते हैं। बेसिकली साइंस को हम 3 ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं, 3 एरियाज हैं साइंस के। कौन कौन से 3 एरियाज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया? बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। वट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स लाइफ, जिंदगी, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग कौन सी हो जाती हैं? लिविंग थिंग में एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब चीज़ें आ जाती हैं। टू स्टडी द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द बायोलॉजी। वट इज़ केमिस्ट्री? सेकेंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सेकेंड ब्रांच ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ थिंग्स, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल H2O is the chemical formula for water. We all know it already. It is the chemical formula of water. H stand for hydrogen, O stand for oxygen. So in water there are 2 hydrogen and 1 oxygen atom. They combine together and form the water. So chemistry is the study of chemical composition of the living things. Now what is the physics? Physics is the study of physical world around us. In biology we have many branches. Biology also have many branches, like animals, field crops, medicine. All these things cover the area of the biology. Then chemistry. In chemistry we have the medical medicines, composition of medicine, कौन सी medicine में क्या चीज़ कितनी amount में use की गई, ये चीज़ें। उसके बाद हमारी petroleum जो industry है, petrochemical industry and pharmaceutical industry। हमारी petroleum industry and pharmaceutical industry, ये दोनों क्या चीज़, ये भी chemistry की field इसको cover करती है। Then the third branch of the science is the physics. It is the study of physical world around us. हमारे इर्द गिर्द जो भी physical world है, जो physical हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, वो सब क्या चीज़, वो सब क्या cover करता है? Physics.
everything from nature of tiny particles like atoms to the galaxies. यानी छोटे से छोटा पार्टिकल जैसे कि एटम और बड़े से बड़ा जैसे कि गैलेक्सीज, ये सारे हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सारी कौन? फिजिक्स कवर करता है. नाउ साइंटिस्ट को बहुत सारी क्या करनी पड़ती हैं? डिस्कवरीज करनी पड़ती हैं. इन सब डिस्कवरीज के लिए साइंटिस्ट को कहाँ काम करना पड़ता है? लेबॉरेटरीज में काम करते हैं साइंटिस्ट. उसके बाद वो डिफरेंट डिस्कवरीज करते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. लेकिन लेबॉरेटरी में काम करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या चीज़ है? लेबॉरेटरी सेफ्टी. कि जब भी आप लेबॉरेटरी में काम करते हैं, वेन एवर यू गो टू लेबॉरेटरी, यू यूज़ लेबॉरेटरी फॉर एनी प्रैक्टिकल वर्क, यू मस्ट बी कीप इन माइंड ऑल द सेफ्टी मेजर्स. सो इन योर कॉलेज यू हैव सीन देर आर मैनी लैब, लाइक यू हैव सीन द बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब. ऑल लैब्स आर अवेलेबल इन योर कॉलेज, यू हैव विजिटेड देम. देर आर सम सेफ्टी मेजर्स वेन यू वर्क देयर. You have to keep the chemicals very carefully. You have to wear the gloves. You have to wear the glasses, and you must be handle the apparatus very carefully. So, laboratory safety is very important for your own safety. There are आपका homework आज का क्या है कि आपके book page number 4 पे दो आपको pictures दिखाई गई हैं रिगार्डिंग टू द लेबॉरेटरी सेफ्टी. आप यहाँ पर सिर्फ लिख के मुझे बताएंगे कि लेबॉरेटरी सेफ्टी में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो अगर आप नहीं करते तो आपको नुकसान हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है. ठीक है, अपना होमवर्क रेगुलर कीजिएगा. होमवर्क करने के बाद टीचर को इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपका होमवर्क हो गया, और उसके बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है क्लास सिक्स का, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन हो, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.